और उमर अंसारी का एक आखिरी जो बात हुई थी उसका ऑडियो वायरल हुआ है। मुख्तार अंसारी ने कहा कि 16 मार्च से रोजा नहीं रखे हैं और मुख्तार अंसारी ने बेटे से कहा कि हम बेहोश हो जा रहे हैं। बेटे से बात करते हैं मुख्तार ने कहा कि बैठ भी नहीं पा रहा हूं। और साथ ही उमर ने पिता मुख्तार से कहा कि मैं वीडियो देखा हूं पापा, और साथ ही उमर ने कहा कि अल्लाह जिंदा रखेगा पापा, हिम्मत रखिए। जी बाबा अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है, बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद, आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। अच्छा तारीख से बात से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, नहीं एक वक्त की जमात है। जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। और हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा भी यही कोर्ट में ही है, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में है, हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज होके नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। दो दिन चार दिन पाँच दिन आओ ताकि हम उठ, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं बापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है बापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपके, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके बापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज़ सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू हम अल्लाह अगर जिंदा रख तभी रखते होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाल्लाह, बिल्कुल अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उमरा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, शफुल मखलूकात है पापा, और आप हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो पाए हम अभी। जी बापा हम अभी अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में, सब जल्दी बेहतर होगा बापा, आप कैसी तो कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जब से आपसे कहिए बापा हर जगह। नहीं उस लायक नहीं है, आज आए थे ना तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए, पापा वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं नहीं दस दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे हम आए हुए हैं कचहरी में, यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी, वो ठीक है बस आप ही के लिए परेशान है, भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे बस, वो वही दो दिन तीन दिन रुका करे थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे, अगर आदर हो जाएगा तो कल नहीं तो फिर दो तीन दिन बाद आएंगे सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमें बोल पाओगे। तो ये आखिरी ऑडियो कॉल था मुख्तार अंसारी और उसके बेटे उमर अंसारी के बीच, जिस दौरान ये तमाम बातचीत सामने आई। हमारे संदीप खैर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संदीप क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है, जिस तरीके से आप वहां पर मौजूद हैं परिजनों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ उनके परिजन कह रहे हैं? देखिए प्रियवत परिजनों के लिए ये पूरी एक देखिए गुत्थी है।